यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं व्यू का मैं वी कट माउंटेन ओनली टू ज्वाइन हर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो स्वागत है माय न्यू ब्लॉग। पिछला ब्लॉग रात में खत्म हुआ था और मैं रात में बालकनी नहीं देख पाया था। आप देखिए, ये बालकनी दिया है मुझे, बैक साइड का व्यू है, पीछे मसूरी का पहाड़ दिख रहा है दूर से थोड़ा सा, बट ये अच्छा स्पेस दिया है, शायद इसीलिए मुझसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया है नॉर्मल रेट से। तो गाइज, आज का प्लान ऋषिकेश जाने का है, ऋषिकेश चलते हैं हम लोग। पहले तो मैं जाऊँगा, कोई बाइक हायर करूँगा यहाँ से, और से एक मेरा फ्रेंड है, अगर वो साथ आ जाता है फ्री हो तो फिर मैं उसके साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं अपना खुद एक बाइक हायर करूँगा, फिर यहाँ से ऋषिकेश जाना है। जाके नीचे तो पहले ब्रेकफास्ट करना है, और पैकिंग तो थोड़ी बची हुई है, रात में थक गया था, फिर कुछ काम था तो पूरा लैपटॉप वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं इधर से उधर, तो सारे पैकअप करना है। थैंक यू इस रूम को, अच्छी रात गुजर गई यहाँ पे। तो अब लाइट ऑफ कर दूँ, यहाँ चलना चाहिए। करके सुदर्शन भाई के साथ निकलना है आज ऋषिकेश, तो स्कूटी से ही चलना है। आ जा भाई, बैठ जा। हाँ, रेड वाला दबाओ। गाइस, एयरपोर्ट के पास आ गया हूँ, जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट नाम है ना एयरपोर्ट का? यस यस यस। और ब्रेकफास्ट कर नहीं पाया था देहरादून में, तो ये ऋषिकेश का रास्ता है। तो यहाँ पे दो तीन वैन मिले हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, देन राइड अगेन। कितना अच्छा धूप निकला है, हमारे भीमताल में तो धूप निकलते ही नहीं है, कभी कभी निकलते हैं तो मेरे रूम के पास धूप नहीं आता। एक्चुअली वो पहाड़ के जिस साइड में है तो सन बैक साइड से क्रॉस कर जाता है। तो ये दही भल्ला मंगवाया हूँ, एंड दही भल्ला का मजा लेने वाले हैं, टेस्टी बनाया है। तो गाइस, ये पहाड़ स्टार्ट हो गया, बहुत खूबसूरत रूट है ये, बस ऋषिकेश हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से आधे घंटे और लगेंगे क्या? 10 मिनट, 10-15 मिनट। अच्छा, पहुँच ही गए। दिख नहीं रहा है, बट मे भी आगे दिख जाए एलिफेंट क्रॉस करते हुए रोड से, बट बंदरे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं भाई। पेड़ के इतना ऊपर कैसे चढ़ जाते होंगे लोग पत्ते काटने के लिए? फिर भी इतने, सोचो इतने पतले पतले इसके टहनियाँ हैं उस पर। गाइज, एक व्यू पॉइंट पाया हुआ है, फुल ऋषिकेश व्यू पॉइंट है। तो 25 किलोमीटर ऋषिकेश से राइड करके यहाँ पे आया हूँ सिर्फ ये व्यू देखने के लिए, बट ये वायर डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, नहीं तो बहुत ही खूबसूरत है, वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइज, गूगल मैप पे जो व्यू पॉइंट दिख रहा था हम लोगों को, उससे बेहतरीन व्यू पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे फिजिकली लिखा हुआ है व्यू पॉइंट। देखो क्या चल रही है, और इतना सुहाना हवा चल रहा है यहाँ से, तो उससे बेहतर, एक्चुअली उससे ज़्यादा हाइट पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ है रोड के साइड में, जहाँ पे आप खड़े होकर के व्यू का मजा ले सकते हैं। भाई रिवर इतना राउंड राउंड होकर के जाता है, जब पूरा जंगल जिससे हम लोग आए थे, हाँ उसी जंगल से आया ना रोड, उसी के अंदर से। और गाइज, ये देहरादून का व्यू यहाँ से दिख तो नहीं रहा है कैमरे में, मुझे नहीं लग रहा दिख पा रहा होगा,
बट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं व्यू का मैं एक वीडियो दूंगा, वो आप जरूर डालना, यहीं का वीडियो, कोई एडिट भी नहीं है। दिखाना आप, मैं आपको दिखाता हूँ वो। यहाँ तो जब बारिश के मौसम में बादल नीचे लगता होगा, बादल आते हैं ना वो तो नीचे बादल ही रहते होंगे। अरे भाई साहब वही वीडियो मैं आपको कह रहा हूँ ना, दिखाता हूँ मैं आपको, देता हूँ मैं आपको भाई मेरे सारे चक्कर। गाइस यहाँ पे आया हूँ, पैराग्लाइडिंग स्पॉट है ये। अभी तो मुझे एक भी पैराग्लाइडिंग मिला नहीं। यहाँ पता चला था कि हेलीकॉप्टर, छोटी वाली मिनी हेलीकॉप्टर होता है, उसके थ्रू यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ले जाते हैं लोगों को। और इतना बड़ा होटल मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहाड़ के टॉप पे इतना ऊपर आकर के इतने बड़े रूम के, कितना रूम बताया था, 142 रूम के कोई होटल हो। वेस्टर्न मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ पहाड़ों पे। आई डोंट नो कि कैसे अलाउ कर देते हैं गवर्नमेंट, या पुराने होगा कोई। और यहाँ से ऋषिकेश का व्यू, मतलब ये पहाड़ पे हम लोग ऋषिकेश के जस्ट ऊपर वाले पहाड़ पे, जहाँ से हर एक एंगल से ऋषिकेश का बेहतरीन व्यू है। थोड़ा क्लाउडी है, क्लाउडी है और कैमरे में नहीं दिख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना। और इधर का माउंटेन तो और खूबसूरत है, ये वाला है ना, ये साइड वाला, ये पूरा चंबा एंड धनौल्टी। हाँ यहाँ देहरादून भी दिखता है यार, कितने अच्छा जगह पे ये बना रखा है, काफ़ी अच्छा पेच बना रखा है पूरा स्मूथ करके। हाँ नरेंद्र नगर, ये कौन सा मार्केट बोला था, नरेंद्र नगर। अच्छा नरेंद्र नगर। गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखा रहा हूँ, वी कट माउंटेन ओनली टू ज्वाइन हर्ट। तो स्पेशल मैसेज, स्पेशल मैसेज है पहाड़ को क्यों कट करते हैं। और ये बीआरओ का रोड है, मुझे लग रहा था स्टेट गवर्नमेंट की रोड है या सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, बट बीआरओ ने बनाया है, इसलिए बेहतरीन रोड है, इसलिए इतना बेहतरीन रोड है। कहीं भी इस रोड में कहीं भी छोटा सा गड्ढा तक भी नहीं दिखा भाई, बीआरओ करता है काम। गाइस काउंटडाउन आया हुआ हूँ, यहाँ डिनर करके फिर होटल ढूंढना है। ठंड बहुत है यार, मुझे लगा देहरादून में ठंड नहीं होगी बट ठंड काफ़ी है। तो यहाँ पे डिनर करके फिर होटल तो मिल ही जाएगा, होटल मिल जाता है नॉर्मली, फिर सोना है। फिर कल मसूरी का प्लान है आई थिंक, तो कल मसूरी में मिलेंगे हम लोग, मसूरी के लिए, देहरादून से मसूरी के लिए। तो गाइस काउंटडाउन के अंदर आ गया, ऑर्डर हो चुका है सुषमा भाई के साथ आज का डिनर प्लान। एंड अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, साथ में डिनर के साथ साथ एडिटिंग करूँगा रेस्टोरेंट में ही, अभी तो जस्ट कॉपी किया हूँ। तो गाइज कैसा लग रहा है ब्लॉग, ये उत्तराखंड का देहरादून टूर एंड आज ऋषिकेश का टूर था। तो ऋषिकेश का टूर का कल ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, देन कल मसूरी राइड होगा, मसूरी कल जाऊँगा तो मसूरी का भी ब्लॉग बनेगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ब्लॉग प्लीज़ बताएं, एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें कैसा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों से ही सजेशन के अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं ब्लॉग। तो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।